परिवर्तन के बाद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने अपने पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया था, लेकिन मात्र एक महीने के बाद ही उनके फिर से पीसीसी में वापसी हुई है। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि सलूजा इसे तात्कालिक प्रतिक्रिया बताते हुए कमलनाथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जता रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मीडिया विभाग की नई टीम का गठन कर के मिश्रा को अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसके अलावा 6 उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए, जिसमें 3 उपाध्यक्ष जिसमें संगीता शर्मा, अब्बास हफीज और अजय सिंह यादव के साथ ही भूपेंद्र गुप्ता को उपाध्यक्ष रिसर्च, नरेंद्र सलूजा को उपाध्यक्ष समन्वयक पीसीसी चीफ और श्रीमती विभा डामोर को उपाध्यक्ष प्रशिक्षण के पद पर नियुक्त किया गया था। वहीं 31 प्रदेश प्रवक्ता भी बनाए गए थे। पीसीसी से लिस्ट जारी होने के बाद अचानक ही नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा देते हुए सारे पद छोड़ने की घोषणा कर दी थी। अब वो ऐसे तात्कालिक निर्णय बताते हुए कमलनाथ के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, परिवार की बात थी, परिवार की नाराजगी थी, हर घर में चलती, हर परिवार में चलती, क्षणिक भावनात्मक नाराजगी थी, नाराजगी दूर हो गई, वापस चले आए। नहीं, कमलनाथ जी से कोई नाराजगी नहीं थी, कमलनाथ जी मेरे पिता तुल्य, मेरे नेता है, उनसे कभी कोई नाराजगी हो ही नहीं सकती, न पहले थी, न आज है, न कल रहेगी। वहीं पीसीसी की तरफ से नरेंद्र सलूजा की पुनः नियुक्ति को लेकर बुधवार को पीसीसी संगठन प्रभारी चंद्र प्रभात शेखर ने पत्र जारी करते हुए लिखा कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री को आपका निवेदन प्राप्त हुआ। अध्यक्ष ने सहानुभूतिपूर्वक आपके निवेदन को स्वीकार करते हुए आपको प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग में उपाध्यक्ष पद पर पदस्थ करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी अब चुटकी लेते हुए कांग्रेस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। ये उनका आंतरिक मामला है, पर चूंकि बात बाहर आई है तो कई सारे प्रश्नों को पैदा तो करती है। सलूजा जी पे कई सारे संदेह भी पैदा होते हैं, और उन संदेहों के बाद में उन संदेहों की क्या पुष्टि हुई और फिर से कैसे आए, ये सब पर्दे के पीछे कहानी है, पर ये कहानी लंबी है। बहरहाल, नरेंद्र सलूजा की फिर से हुई पीसीसी वापसी के बाद जहां पीसीसी में उनकी चहलकदमी बढ़ गई है, तो अब उन्हें मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा को रिपोर्ट करना होगा। वहीं पीसीसी सूत्रों की माने तो पीसीसी चीफ के समन्वयक के रूप में भी काम करने के लिए कुछ अंकुश उन पर लगाए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो नरेंद्र सलूजा के इस्तीफे के बाद एक बार फिर उनकी पीसीसी में वापसी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल।